हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। फिर से के आर के ने अपना जहर उगला है कहूंगा मैं। जी हाँ, के आर के ने बुराई की है इस बार जब हैरी मेट सेजल के बारे में, और कहा है कि ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगी। जी हाँ, आखिर क्यों उन्होंने कहा, कैसे कहा, आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। उनसे सवाल पूछा है कि आपको क्या लगता है कि क्या सलमान शाहरुख खान की फिल्म जो आने वाली फिल्म है वो चलेगी बढ़िया या नहीं चलेगी जब हैरी मेट सेजल। तो इस पर केआरके ने कहा कि देखिए, मुझे कोई फिल्म में कुछ ज्यादा खास लग नहीं रहा है। जिस तरह से आपने उनकी चलते चलते देखी होगी, डीडीएलजे देखी होगी, सेम उसी तरह का सीन लगा, कुछ ज्यादा अलग नहीं लग रहा है। बस इसमें ये है कि डायरेक्टर ने एक रिंग डाल दिया है, जो रिंग बाद में एट द एंड अनुष्का के बैग में ही रहती है, पर्स में। इस तरह से बात की है, ये कितनी सच्चाई क्या है इसमें नहीं पता, बट इस तरह से पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कहानी बोल दी है। पता नहीं एग्जैक्टली वो है या नहीं है, क्या सीन है कुछ नहीं पता, फिल्म कैसी होगी वो भी नहीं पता। लेकिन इसके पहले ही केआरके से पूछा गया क्या कितनी चलेगी फिल्म, उस पर केआरके ने ये भी कहा कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा 120 से 150 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करेगी। तो आप कितने सहमत है केआरके की बात से कि जब हैरी मेट सेजल फ्लॉप हो जाएगी और 150 करोड़ भी नहीं पहुंच पाएगी इंडिया में? आप जरूर अपना कमेंट रख सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं कमेंट में। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही मेरी वेबसाइट bollywoodcrazies.com पे भी विजिट करना ना भूले। फिलहाल इतना ही, बाय बाय।